दलितों का हाल अब आपने देखा, अब देश की राजनीति का हाल भी बता देते हैं। 71वें संविधान दिवस पर आज एक कार्यक्रम संसद के सेंट्रल हॉल में भी हुआ। देश के संविधान के सम्मान में हुए कार्यक्रम में विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हुई। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, डीएमके और टीएमसी जैसी 14 विपक्षी पार्टियों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। हर विरोध में संविधान की बात करने वाले और संविधान की रक्षा के सरकार से टकराने की बात करने वाली विपक्षी पार्टियों ने उसी संविधान दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। वैसे किसी कार्यक्रम में शामिल होना या नहीं होना किसी का भी विशेषाधिकार होता है। उस विशेषाधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन जब बात संविधान की हो तो इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि संविधान किसी पार्टी का नहीं, देश का है, देश के लोगों का है। वैसे संविधान दिवस के कार्यक्रम में विपक्ष की गैर मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों पर भी निशाना साधा। कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। संविधान दिवस पर हुए कार्यक्रम में विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख जताया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यक्रम संसद का था, इस तरह के कार्यक्रम और संसदीय परंपरा को बनाए रखना चाहिए। अगर किसी मुद्दे पर असहमति थी तो विपक्ष बात कर सकता था। विपक्ष जितना मजबूत होगा सरकार उतनी ही जिम्मेदार होगी, लेकिन कार्यक्रम का बहिष्कार करना उचित नहीं है। यानी लोकसभा अध्यक्ष संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लेकिन विपक्ष की अपनी जिद और अपने तर्क हैं। वैसे संविधान दिवस के कार्यक्रम में शामिल नहीं होकर विपक्ष ने बता दिया कि संसद के शीतकालीन सत्र में काम उस रफ्तार से नहीं होगा जैसा सरकार सोच रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक होगा। इस दौरान संसद की कुल 20 बैठकें प्रस्तावित हैं। शीतकालीन सत्र के लिए सरकार ने 26 विधेयक लिस्ट किए हैं। इन 26 विधेयकों में 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला विधेयक भी शामिल है। संसद के इस सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। ये विधेयक आपके और हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन विपक्ष के अंदाज से साफ है कि संसद सत्र के दौरान कामकाज शायद ही हो। संसद के सत्र में आपकी दिलचस्पी बेहद कम होगी। आपको लगता होगा कि ये एक रूटीन का काम है जो तय समय पर होता है। इन बैठकों में हंगामा होता है और नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन रुकिए, आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि संसद की बैठक क्यों अहम है। इस बैठक में जो कानून बनेंगे या नहीं बनेंगे उससे आखिरकार आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा, इसलिए इस बैठक को लेकर सजग रहना होगा। ये देखना होगा कि जिस जनप्रतिनिधि को हमने वोट दिया उसने इस कीमती समय में क्या किया। वैसे तो संसद के शीतकालीन सत्र में 26 बिल पेश होने हैं। हम सभी बिलों की नहीं, लेकिन कुछ बिलों की जानकारी आपको दे देते हैं ताकि आपको जानकारी रहे कि आने वाले दिनों में संसद में क्या अहम होना है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने को लेकर सरकार शीतकालीन सत्र में बिल पेश करेगी। बिल का मकसद आरबीआई द्वारा प्रस्तावित आधिकारिक डिजिटल करेंसी के चलन से संबंधित नियम बनाना और दूसरी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना है। देखने में यह साधारण बिल है, लेकिन देश में क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले करीब 1 करोड़ लोग हैं। 40,000 करोड़ से ज्यादा की रकम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट की गई है। जाहिर है इसे रेगुलेट करना जरूरी है। सरकार के लिए इस बिल से क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। ये बिल क्रिप्टो करेंसी के नाम पर धोखाधड़ी से बचाएगा। ये बिल क्रिप्टो करेंसी में निवेश को सुरक्षित करेगा। यानी इस बिल से 1 करोड़ लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। जाहिर है इसका पास होना जरूरी है, लेकिन अगर विपक्ष का रवैया ऐसा ही रहा तो ये बिल शायद ही संसद में पास हो पाए। शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग विधेयक 2021, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा एवं पुनर्वास विधेयक 2021, विद्युत संशोधन विधेयक 2021 जैसे कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। ये हर विधेयक हमारी नौकरी, हमारे पैसे, हमें मिलने वाली सुविधाएं या कहें कुल मिलाकर हमारी जिंदगी पर असर डालेंगे। अगर ये बिल पास नहीं होते हैं तो कई सुधार रुक जाएंगे, लेकिन विपक्ष का रुख साफ है। वो अपनी पसंद के मुद्दों को लेकर हंगामा करेगा, संसद में काम नहीं होगा और ये जरूरी बिल अटक जाएंगे। इसलिए अगली बार जब आपको सांसद आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछना जरूर चाहिए कि जरूरी विधेयकों को पास कराने के लिए उन्होंने क्या किया। लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी कि एक तरफ विपक्ष अगर ये बात कर रहा है तो दूसरी तरफ फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार को भी चाहिए कि वो संवाद बना करके विपक्ष को अपने साथ लेकर आए। संसद में काम हो ये हम सभी चाहते हैं, इसलिए संविधान दिवस के कार्यक्रम में विपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
लेकिन क्या हर जगह विपक्ष का चरित्र एक जैसा नहीं होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि संविधान दिवस पर दो तस्वीरों ने यह मुद्दा उठाया है। एक तस्वीर दिल्ली की है जहां संविधान दिवस के कार्यक्रम में विपक्षी, जिसमें टीएमसी भी शामिल थी, शामिल नहीं हुए। यहां बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। लेकिन जब पश्चिम बंगाल में सरकार जहां टीएमसी की है वहां संविधान दिवस के कार्यक्रम में टीएमसी के नेता तो शामिल हुए लेकिन बीजेपी के नेता शामिल नहीं हुए। सोचिए, संविधान दिवस वही है, संविधान वही है, लेकिन इसे मनाने को लेकर दिल्ली से कोलकाता पहुंचते पहुंचते पार्टियों का रवैया बदल गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।